दिन आ जाएंगे। बहुत सी बीमारियों में कारगर है कमर का दर्द। फिर आप लोग आराम की मुद्रा में आएंगे जैसे पहले आराम में थे। सांस लें 2 मिनट ताकि फिर शरीर अगली क्रिया के लिए तैयार हो सके। रिलैक्स होके नॉर्मल सांस रिलैक्स हो जाए ताकि अगली क्रिया। सभी को अपने देश से प्यार है नहीं है, बीच में बच्चे हैं, सभी आप भी एंजॉय कीजिए। सभी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। पीछे कुछ स्कूल की शिक्षिका हैं, आप भी एंजॉय कीजिए, ये मोमेंट है। प्लीज प्लीज सभी बच्चे और सभी से आता है, प्लीज आप इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। सभी लोग कैमरे खोल के एक बार डांस तो कर लीजिए। आचार्य सुदर्शन पब्लिक स्कूल मैम, आप लोग हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया और मस्त होंगे। सो आज योग दिवस का एक स्पेशल ब्लॉग आ रहा है महाराजगंज का, जो कि क्रीड़ा भारती के द्वारा आयोजन हुआ था। एक संगठन है क्रीड़ा भारती महाराजगंज का, उसी के द्वारा ये आयोजन हुआ था योग दिवस मनाने का। तो चलिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज में, योग दिवस कैसे मन रहा है दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो शुरू करते हैं प्यासा ब्लॉग बिना टाइम वेस्ट के। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। या रात को सोने वक्त जरूर करें। तुम बाहर निकलते हैं परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ कर, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर का आस्था लेते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आपके साथ दोनों मछलियों को रख दीजिए, रगड़िए उसकी गलती को आपको लगाइए, दोनों आपको बहुत प्यार से। हाँ उसके बाद आंखों पर दबाव ना आए उसको कप सेट में रखें। आराम से कीजिए, एक बार और रख दीजिए पूरे चेहरे पे, और एक गहरी सांस लीजिए। हाँ गहरी सांस लीजिए और दो बार, जो मेन योग का क्या है ना, श्वास ब्रीदिंग, जो आप देखे होंगे ना कभी कोरोना में क्या था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, जिससे ऑक्सीजन चला, जिससे ऑक्सीजन चढ़ने के नौबत आ गई। तो क्यों ना हम अपने शरीर को ही ऐसे करें कि हमको कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। उसके लिए अभी आप 3 बार श्वास का करेंगे। आप श्वास लेंगे आराम से और होल्ड करेंगे, मैं 5 बार ये करूँगी, होल्ड करेंगे, और जिस रफ्तार से आप लिए उसी रफ्तार से आप छोड़ेंगे। आप देखेंगे जब आप सांस लेते हैं, पूरा खींचिए, चेस्ट फॉरवर्ड, चेस्ट फॉरवर्ड, हाँ स्पाइन, हाँ स्पाइन सीधे, चेस्ट फॉरवर्ड। कंधे के सीधे में हथेली और सिर क्रमशः हथेली के ऊपर कंधे पर, कितना देर आप होल्ड कर सकते हैं, कितना देर होल्ड कर सकते हैं, उतना देर होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद दाहिने तरफ उस नोज को ले जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एक बार और कर लीजिए, बहुत अच्छा, दाहिने तरफ घूमेंगे,
जितना आप रोक सकते हैं अपने आप को उतना देर रोकने का प्रयास करेंगे, फिर पूर्ववत स्थिति में आएंगे, जैसे पहले थे वैसे स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सी बीमारियों में कारगर है कमर का दर्द। फिर आप लोग आराम की मुद्रा में आएंगे, जैसे पहले आराम में थे, सांस लें 2 मिनट ताकि फिर शरीर अगली क्रिया के लिए तैयार हो सके। रिलैक्स होके नॉर्मल सांस रिलैक्स हो जाए ताकि अगली क्रिया के हम लोग फिर तैयार हो सके। फिर आप खड़े हो जाइए, दोनों बाजू को साइड में कीजिए, वृक्षासन करेंगे, वृक्षासन है ना। तो आप इसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग वृक्षासन करेंगे जिस तरह की तरह दाहिना पैर पहले टिकाएंगे। देखिए एक मिनट, ये प्रिया जी कर रही है, ये यहाँ पे रखते, यदि आपको नहीं होता है और हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ आपस में सटाएंगे, जितना देर रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करेंगे, शरीर को बैलेंस करेंगे, मन जितना ही शांत होगा उतना ही आप स्थिर रह पाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, हाथों को पहले दोनों हाथों को सीधा कीजिए, अपने दोनों तरफ रखिए, सब लोग दोनों तरफ रखिए, फिर नहीं हो पाता है फिर नीचे पैर करिए, दोनों हाथों को रखिए, यदि कोई ऐसा कर सकता तो कीजिए। आप लोग जितना देर रख सकते हैं उतना देर रखिए, नहीं होता है सांस लेते हुए करिए। सभी को अपने देश से प्यार है नहीं है, बीच में बच्चे हैं, सभी आप भी एंजॉय कीजिए, सभी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। पीछे कुछ स्कूल की शिक्षिका हैं, आप भी एंजॉय कीजिए, ये मोमेंट है, प्लीज प्लीज सभी बच्चे और सभी से आता है, प्लीज आप इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। सभी लोग क्या भूल के एक बार डांस तो कर लीजिए। सभी सभी हाथ ऊपर करेंगे और प्रिया जी और पप्पू जी, बहुत सुंदर, सबका आना चाहिए, बहुत सुंदर, एंड करते हैं इस ब्लॉग को। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे भाई को इतना सपोर्ट करिए कि आपके लिए अच्छा से अच्छा ब्लॉग लेके आऊँ। तो मिलता है फिर नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टाटा।